बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, विदाउट ओवन पतीले के अंदर मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा, मतलब आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं, डो की भी ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है, इस तरह का आपने ब्रेड लेनी है, डबल रोटी, और घर में आपके जो आम मेटल का ग्लास यूज़ होता है, ये देखें, इसको इसके ऊपर रखना है और पूरा जोर लगा देना है, ठीक है। ये देख लें, बहुत प्यारी हमारी कटिंग हो जाएगी। ये हमारी जो पिज़्ज़ा बेस है वो देखें माशाल्लाह से तैयार है, ठीक है। कितना इजी है ये देखें, आपको ज़रूरत ही नहीं डो बनाने की और ईस्ट यूज़ करने की। आपने जस्ट ब्रेड को इस तरह कटिंग कर लेना है, ठीक है, और फिक्र नहीं करनी आपने। ये जो इसकी साइड्स हैं, हम इसको भी ज़ाया नहीं होने देंगे। अगर आपने नहीं देखा तो ब्रेड क्रम्स की रेसिपी है मेरे पास, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो आप जाके देखिएगा। इसकी जो साइड्स बचती हैं उनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, मतलब जो टिक्कियों के ऊपर वो जो भूरा सा लग जाता है ना, एक चूड़ा सा ब्रेड का, इसकी हम वो बना लेंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने जो चिकन लिया है, 3 टेबल स्पून हमने चिकन लिया है, और ये बोनलेस है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून टिक्का मसाला के, ठीक है, हम टिक्के का फ्लेवर ले रहे हैं, और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। सोया सॉस इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छा लगता है। 2 टीस्पून जाएगा, और जो सिरका है वो भी 2 टीस्पून जाएगा, इससे ये बहुत ही करारा और खुशबूदार बन जाता है, ठीक है। और ये हम इसमें एक चुटकी ले लेंगे, थोड़ा सा बस, जर्दा कलर, ये ज़रूरी होता है, इससे जो क्या है ना, चिकन के ऊपर एक बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है जो खूबसूरत लगता है पिज़्ज़ाज़ के अंदर। इसको मैरिनेट करके आप रखते हैं आधा घंटा तो अच्छी बात, वरना ज़रूरत नहीं। पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून लेंगे कुकिंग ऑयल के, और इस चिकन को उसमें ऐड कर देंगे। ये चिकन को पकाने का सबसे दुनिया का आसान तरीन तरीका है, ठीक है। आपने मैरिनेशन करनी है, उसके बाद आपने ऑयल डालना है, ऑयल गर्म करके आपने इस चिकन को पका लेना है, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये 8 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है, ये देख लें आप, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे पीस हैं और सिरका ऐड किया हुआ है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाएगा, ठीक हो गया। इसको आपने निकाल लेना। अब मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी दूंगा। 3 टेबलस्पून हमने केचप लिया है, उसमें 1/2 टीस्पून हमने ऑरिगेनो डाला है, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और ये है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ही जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया, कोई भी मुश्किल नहीं, देखें कितना आसान है, और ये बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस है। ये आप कोई जुगाड़ ना समझें कि हम ही कर लिया, नहीं, ये बेस्ट है। अब हमने लिए पिज़्ज़ा ट्रे, आपके पास अवेलेबल है तो बिस्मिल्लाह, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मेटल की जो थाली होती है ना, प्लेट होती है जो चावल खाने वाली, वो यूज़ कर सकते हैं। ग्रीसिंग कर देंगे इसमें ऑयल की या घी की, ये देख लें आप, और इसके ऊपर डस्टिंग कर देंगे मैदे की। ये छोटे छोटे स्टेप काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इनको आप लाइटली ना लिया करें, इस तरह से इसको फैला दें। अब ये जो हमारी बिल्कुल फ्री में और 2 मिनट के अंदर हमारी पिज़्ज़ा डो बनी हुई है, इसको इसके ऊपर रख देंगे। अब ये चीज़ें ट्राई किया करें, यकीन करें, ये बहुत आसान होती हैं, इजी होती हैं, टाइम बच जाता है और इतने सस्ते में तैयार हो जाती हैं। तो ये पिज़्ज़ा सॉस जो हमने 1 सेकंड में बना लिया था, इसके ऊपर लगाएंगे सफाई के साथ। और ये हमारे पास है चीज़, चेडर चीज़ ले लें, मोज़रेला चीज़ ले लें, जो भी अवेलेबल हो, और चिकन के पीस को एक तरतीब के साथ आप रखिएगा। ये हमारे पास है ऑलिव्स, ठीक है, और ये है हमारे पास शिमला मिर्च। अब ये अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो इतनी ज़रूरी बात नहीं है, और आपने, मैंने टमाटर लगाया है, शिमला मिर्च लगाई है, और एक एक पीस अनियन का रखा है, प्याज का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी देख लें चीज़ तैयार है। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगैनो को। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो ये भी इतनी ज़रूरी नहीं होती। और ये देखें, हमने पतीले को रखा हुआ था गैस पे 5 मिनट पहले, और इसके अंदर हमने रख दी है पिज़्ज़ा स्टैंड। अगर आपके पास ये बेकिंग स्टैंड है तो ठीक है, वरना आप इसके अंदर एक कटोरी भी उल्टी करके मेटल की रख सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट पहले मैंने उसको तेज़ आँच के ऊपर रखा था पतीले को, और अब मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा ट्रे रखने के बाद आंच को मैंने कर दिया है बिल्कुल 0, ठीक है।
बिल्कुल लो जो होती है ना एंड पे कि बस जल रहा है बुझा नहीं, इतनी आंच, और इसके ऊपर आपने कोई भी मोटा कपड़ा रख देना। इससे क्या होगा कि बाहर की जो हवाएं हैं वो इसकी चादर को ठंडा नहीं करेंगी और अंदर हीट बनी रहेगी। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे इसको लगे हैं जस्ट 12 मिनट, ठीक है, और जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है। तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट में खूबसूरती के साथ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी, हमारे हाथों में दी। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।